छीन लिया गया, 3,000 रुपये छीन लिए गए। इस घटना को देखते हुए जो सीरियस घटना हुई थी, वरीय पुलिस उपाधीक्षक आलोक कुमार गया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उस टीम के द्वारा रेल में करत रहे लोग खेल, हथियार के साथ लूटपाट गिरोह भइल गिरफ्तार। खबर का बात सब बताई भोजपुरिया समाचार, रेल एसपी के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब कर ली, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कर ली। सामने दिख रहा 315 गोर के काटा हटुए, बगल में गोली रखल बटुए, काटा गोली के दम पर सुनसान रास्ता देख के यात्री से लूटपाट करे वाला गिरोह के रेल पुलिस गिरफ्तार कर ले। जी हाँ, सावन के मेला के मद्देनजर रेल क्षेत्र में मोबाइल चोरी, लैपटॉप चोरी, चैन छिनैती, अटैची छिनैती या अन्य अपराध के विरुद्ध लगातार विशेष अभियान रेल पुलिस चलावत रहे। साथे साथ अवैध शराब आ मादक पदार्थ के तस्करी के विरुद्ध विशेष अभियान रेल पुलिस के द्वारा चलावल जा रहा था। यही क्रम में गाड़ी संख्या 12023 अप जन शताब्दी एक्सप्रेस में रेल थाना मोकामा से रेल थाना पटना तक सिपाही ओम प्रकाश, जीवज पासवान, नीतीश कुमार, रजनी कुमारी के ड्यूटी कैल गेल रहे। यह मार्गरक्षी दल के कर्मी के द्वारा यह गाड़ी के मार्गरक्षण करत अपन गंतव्य के देने आवत रहे लोग। यही दौरान गाड़ी पटना साहिब रेलवे स्टेशन पे खड़ा होत रहे, तबे मार्गरक्षी के द्वारा देखल गई कि गेट के भीड़ 4 व्यक्ति ट्रेन के गेट पे खड़ा बाड़े, आपस में बतियावत आ रहे। पुलिस बल पर नज़र पड़ते ही लोग ट्रेन के बोगी में घुसे लागल। पुलिस के संदेह भइला पर यह चारों व्यक्ति के आवाज़ दिहल गई, आवाज़ के अनसुना कर के चारों बोगी में तेजी से भागे लागल। पुलिस बल के द्वारा यह चारों जना के पकड़ल गई, पकड़ाई चारों व्यक्ति से यात्रा के संबंध में पूछला पे संतोषजनक जवाब ना दिहल। नाम पता यात्रा टिकट के संबंध पे पूछला पे आनाकानी करे लगल। चारों व्यक्ति से केहू के द्वारा टिकट ना दिहल गई, पुलिस बल सख्ती से नाम पूछला पे अपन नाम क्रमशः वीर अभिमन्यु कुमार उम्र 27 वर्ष, बाबूजी के नाम स्वर्गीय राम सागर यादव माधोपुर वार्ड नंबर 20 थाना बख्तियारपुर जिला पटना, दूसरका जना रजनीश कुमार उम्र 24 वर्ष पिता स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह जिला पटना, तीसरका संजय कुमार उम्र 26 वर्ष पिता नागेंद्र प्रसाद थाना बख्तियारपुर जिला पटना, आ चौथा गणेश यादव 35 वर्ष पिता युगल यादव घर पटना बतैलन। यह चारों व्यक्ति के विधिवत पुलिस तलाशी लिहलस। यही क्रम में वीर अभिमन्यु के कमर के दहिना साइड में एगो लोडेड देसी कट्टा आ पैंट के दहिना पॉकेट से 1 राउंड गोली आ 2 स्क्रीन टच मोबाइल आ अन्य अपराध कर्मी के भी 5 मोबाइल पुलिस बरामद कर लिहलस। बरामद देसी कट्टा गोली के संबंध में पूछला पे बतावल लोग कि हमनी के गाड़ी में सवार होके चलत ट्रेन में सुनसान जगह देख के यात्री के कट्टा के भय देखा के आभूषण आ कीमती सामान के लूटपाट के अंजाम यही न जाए। बयान जो आगामी श्रावणी मेला आने वाली है उसको देखते हुए रेल पुलिस पटना द्वारा सभी ट्रेनों में प्लेटफॉर्म पे और सभी जगह सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस जो है उसमें मारक्षी दल के द्वारा 4 व्यक्तियों को पकड़ा गया, 1 पिस्टल देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस के साथ 7 स्क्रीन टच मोबाइल और 1 ब्लेड के टुकड़ा। और ये किसी अपराध बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे और इसी क्रम में इनको पकड़ा गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है और कई बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। गया जंक्शन पर दिनांक 17 जुलाई को वहाँ पर एक यात्री अजय बिंद जो वहाँ पर इंतजार कर रहे थे, रात्रि में राजस्थान जाने की तैयारी कर रहे थे, वो जब झाड़ी में वहाँ गए नेचुरल कॉल के लिए जा रहे थे करीब 1:30 बजे रात्रि में, तो उनके साथ 4-5 की संख्या में अपराधी अटैक कर दिए और उनको चक्कू मार दिया गया और उनका मोबाइल छीन लिया गया, 3,000 रुपये छीन लिए गए। इस घटना को देखते हुए जो सीरियस घटना हुई थी, वरीय पुलिस उपाधीक्षक आलोक कुमार गया के नेतृत्व में
एक टीम का गठन किया गया और उस टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें से 3 व्यक्तियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, 2 उसमें माइनर रहे हैं, उनको जुडिशियल बोर्ड के समक्ष पेश किया जा रहा है। और एक कल जो मुख्य सरगना था गोलू कुमार उर्फ गोलू किंग, उसको पकड़ा गया है छीने हुए मोबाइल के साथ और उसको गिरफ्तार करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।